जय जिनेन्द्र, जय नाकुड़ा पार्श्वनाथ, जय नाकुड़ा भैरव देव। मैं ये भाव करता हूँ कि दादा आप सभी को खुश रखे, हर इंसान सुखी रहे और निरोगी रहे और आप सबका कल्याण हो। मैंने सभी के कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश की है। कल शिव शर्मा जी ने पूछा है, इनका पहला प्रश्न है कि भगवान होते हैं, मैंने तो कभी देखे नहीं। ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर जवाब देता हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी आपके परदादा या दादी को देखा है, या पर नाना नानी या दादा के भी दादा को देखा है? आप उनके अस्तित्व को नकार तो नहीं सकते? क्या आपने कभी हवा देखी है तो आप उसके भी अस्तित्व को नकार नहीं सकते? देखो, भगवान भी होते हैं, भगवान होते हैं तभी तो हम आज अपन उनके बारे में पढ़ रहे हैं और पूछते हैं। मैं मांगलिक हूँ तो मांगलिक लड़की से शादी करना क्यों ज़रूरी है? ज्योतिष के अनुसार मांगलिक को मांगलिक से ही शादी करनी होती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल है तो आप नमः सिद्धभ्य का जाप करिए या नमो सिद्धाणम का जाप करिए। एक महीना जाप करिए, आपको मूंगा पहनने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्वी व्यास जी, आपके क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है। आप बोल रहे हैं कि दादा की आपको ज़रूरत है। देखिए, आपको पुण्य बढ़ाने की आवश्यकता है। मैंने एक पुण्य बढ़ाने के ऊपर वीडियो डाल रखी। आप प्राणदान दीजिए, उससे आपका पुण्य प्रबल हो जाएगा। उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना करिए, हे दादा आप मेरी मदद करिए। अभिषेक जैन जी पूछ रहे हैं कि जैनी भाई आप बताइए कि नाकोड़ा जी को दादा क्यों बोलते हैं? देखिए, भगवान को हम दादा बोलते हैं और नाकोड़ा भैरव जी को भी हम दादा बोलते हैं, सभी जिनेन्द्र भगवान, अरिहंत भगवान को भी हम दादा बोलते हैं, तो दादा हम प्यार से बोलते हैं। वंदना जी पूछ रही हैं कि आप ऐसी वीडियो लेकर आए कि जो पति और पत्नी के अवैध संबंध और गलत दिशा में चलने वाले आवारा पति को छुड़ाया कैसे जाए। ठीक है, मैंने आपके कमेंट को पहले भी पढ़ा था, तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप जब भी पानी भरो या खाना बनाओ, तब आप नमोकार मंत्र का जाप करते हुए खाना बनाइए, पानी भरिए। आप जब आप अपने पति को पानी पिलाए, तब भी आप नमोकार मंत्र जाप करिए। साथ ही आपको रोज नमोकार मंत्र बोलना है। उसके बाद नाकोड़ा भैरव देव की आप स्तुति करिए, उससे आपकी प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएगी। वैशाली जी पूछ रही कि मुझे पैसों की कमी है और बिजनेस में कोई तरक्की नहीं मिलता है, कुछ भी करो लेकिन सक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है वैशाली जी, आपको नमोकार मंत्र जाप करना है। कोई भी कार्य करे तो आपको नमोकार मंत्र जाप के आप उस कार्य को स्टार्ट करिए। और आपके घर में किसी के भी नेल्स नाखून बड़े हो तो आप उनको कटवा दीजिएगा। मुकेश लता जी पूछ रहे हैं, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, तो आपके बेटे को बोलिए वह सगरम स्त्रोत करिए, नाकोड़ा भैरव देव की स्तुति करिए, और आपको 5 बार नाकोड़ा तीर्थ के दर्शन करने हैं तो आपके बेटे की शादी हो जाएगी। ऐसा मैंने बहुत लोगों को बताया है, सबकी शादी हो चुकी है। जी का प्रश्न है, उधारी के 25 लाख रुपए हैं, इनकम शून्य के बराबर, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम देने का भी पैसा नहीं है। आपको क्या करना है कि नमोकार मंत्र का जाप करना शुरू करें। सबसे इम्पोर्टेंट, नमोकार मंत्र का जाप स्टार्ट कर दे। आपको प्राणदान देना है, नाकोड़ा जी के साथ व्रत करें, जिसमें कि आपको दिन में सिर्फ एक बार खाना खाना है, जिसमें प्याज और आलू ना हो। आपको किसी भी 7 चीज़ों का त्याग लेना है, जैसे कि गुटखा, तंबाकू, शराब, नॉनवेज, पराई स्त्री, खाना झूठा ना छोड़ें, उसका भी त्याग ले सकते हो। आप प्याज का भी त्याग ले सकते हो, कुछ भी ऐसा त्याग लो जो 7 हो। आपके नज़दीक में कोई मंदिर बन रहा है तो उसमें आपको पैसे डोनेशन में देने हैं, चाहे वह 100 रुपये हो, चाहे 500 रुपये हो, या जो आपकी शक्ति हो वो आपको मंदिर में डोनेशन देना है। और आपको महीने में एक बार नाकोड़ा जी तीर्थ आप जाएं। ऐसे कई लोगों ने बड़े बड़े उधारी के पैसे चुकाए हैं, 50 लाख रुपये तक भी चुके। चंद्रशेखर जी पूछ रहे हैं, शारीरिक मानसिक हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको नमोकार मंत्र जाप करना है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयेरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब्वसांगणम। आपको रोज़ सुबह 7 बार जाप करिए, आपका शारीरिक और मानसिक हेल्थ अच्छा रहेगा। जब भी टेंशन भी हो तो आप इस नमोकार मंत्र को जाप करिए। संजीव कुमार जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब इस तरह दूंगा, नमोकार मंत्र की मशीन आती है, आपको वो खरीद के घर में लगा दीजिए। जब तक नमोकार मंत्र चलेगा आप दोनों में लड़ाई नहीं होगी। और आपको भैरव वेशम कष्टहरम वाली स्तुति करनी है। अगला प्रश्न, क्या आप ज्योतिष या पंडित है? जी नहीं, मुझे सभी तरह की विद्या होगा, नॉलेज है। मैं सभी को ये सब चीज़ें फ्री में बताता हूँ।
सभी का कल्याण हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई दुखी रहे। आपका नाम और पता? मेरा नाम आदित्य जैन है और मैं जयपुर से हूँ। दादा के ऊपर इतनी वीडियो क्यों बनाते हो? इस दुनिया में बहुत लोग परेशान हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सभी की प्रॉब्लम दूर हो जाए। चमत्कार हुआ है आपकी ज़िंदगी में? जी, बहुत चमत्कार हुए हैं, मेरे परिवार में हुए हैं। मैंने जिन जिन लोगों को रास्ता बताया है, उन सभी की ज़िंदगी में चमत्कार हुआ है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी की दुख दूर हो जाए। मीनाक्षी जी, जय नाकुड़ा भैरव देव। आपको सासू माँ को भक्तांबर पाठ सुनाना है, नमो काल मंत्र सुनाना है, नाकुड़ा तीर्थ के दर्शन करने लेके जाना है, तो आपकी माँ हेल्थ रिकवर हो जाएगी। और आप उनको जब भी पानी पिलाए तो नमोकार मंत्र बोलकर फिर पानी उनको पिलाए। योगिता जी, मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगा, जो आपके बच्चों की पुरानी किताबें हैं उन्हें कभी ना बेचें, क्योंकि विद्या का सम्मान किया जाता है। जब भी बच्चे पढ़ाई करने बैठे तो नमोकार मंत्र, नाकुड़ा पार्श्वनाथ और नाकुड़ा भैरव देव को याद करके, माँ सरस्वती को नमन करके फिर पढ़ाई करने बैठिए। जो पढ़ोगे एक बार में याद हो जाएगा। यही चीज़ मैं करता हूँ, इससे जो भी मैं एक बार पढ़ता हूँ मुझे भी याद हो जाता है। जय नाकुड़ा पार्श्वनाथ। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। जय जिनेंद्र साहब। से यह आशा है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों के दुख दूर हो जाए।